Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 15 अगस्त 2020 देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं पहले स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी देख चुका हूं और तब से लेकर 2020 तक हमारे देश भारत ने एक सुनहरा सफर तय किया है। आजाद भारत से आत्मनिर्भर भारत तक का सफर 2.7 लाख करोड़ की जीडीपी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक का। हमने खुद को एक मजबूत और हर क्षेत्र में तेजी से विकसित होते हुए देश के रूप में दुनिया के समक्ष पेश किया है। आज हमारा देश पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। आज मैं आप सबको एक सफर पर लेकर चलूंगा, या यूं कहें कि आज हम आजाद भारत की सुनहरी यादों को ताजा करेंगे कि भारत ने 1947 से 2020 तक कौन कौन से मुकाम कब और कैसे हासिल किए। आप लोग बस अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और हम चलते हैं आजाद भारत की सुनहरी यादों के सफर पर। वर्ष 1947, 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद 18 जुलाई को इस बिल को स्वीकार कर लिया जाता है और हम आजादी के और करीब आ जाते हैं। और फिर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को आजाद देश घोषित किया जाता है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के आजादी की घोषणा होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट पर ध्वजारोहण करते हैं और इस तरह मैं आजादी के पहले जश्न का साक्षी बनता हूं। देश को आजाद हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और अब समय आ चुका था आजाद भारत को अखंड और मजबूत भारत बनाने का, जहां सभी को समान अधिकार हो और सभी के हितों की सुरक्षा हो। और इसके लिए जरूरत थी संविधान की, आजाद भारत का नया संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। 3 साल से भी कम समय में आजाद भारत का नया संविधान लागू हो जाता है और इस संविधान की प्रस्तावना थी वी द पीपल ऑफ इंडिया। आजादी और अखंडता के बाद देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए सन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2,069 करोड़ रुपए की पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया और इस पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था प्राइमरी सेक्टर का विकास और बाद में इसके बजट को बढ़ाकर 2,378 करोड़ कर दिया गया। कुल बजट का 27.2% सिर्फ और सिर्फ सिंचाई और एनर्जी के लिए था। उसके साथ साथ 17.4% एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट लिए रखा गया और इस तरह देश में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। वर्ष 1951-1952, आजादी के 4.5 साल बाद अब वक्त था देश में लोकतंत्र के पहले सबसे बड़े त्योहार का, यानी वक्त था देश के पहले लोकसभा चुनाव का। भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने आजादी के पहले दिन से ही सभी को समान रूप से वोटिंग का अधिकार दिया था, सभी को समान रूप से अपने नेता और अपनी सरकार चुनने का अधिकार था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले लोकसभा चुनाव होते हैं। 489 सीटों पर कुल 1,949 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त होता है और फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आजादी को 8 साल बीत चुके थे। सन 1955 में शुरुआत होती है बैंकिंग सेक्टर में बदलाव की और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक है। इस तरह से देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन और अहम बदलावों की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1958, अब वो वक्त था जब सुरक्षा बलों को ज्यादा शक्तियां देने के लिए कुछ बदलाव किए गए।
1950 के दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ती हिंसा के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए 1958 में शांति स्थापित करने के मकसद से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्सपा लाया गया। ये कानून सुरक्षा बलों को विशेष शक्ति प्रदान करता था जिससे शांति स्थापित करने में सहायता मिलती थी। सन 1974, इस वर्ष भारत खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। मई 1974 में भारत पोखरण में परमाणु परीक्षण करता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है स्माइलिंग कुत्ता। इस मिशन की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में रखी थी और इस मिशन की कमान संभाली थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तत्कालीन अध्यक्ष राजा रमन्ना ने। इस परमाणु परीक्षण से सभी बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित थे कि ये आखिर हुआ कैसे। उसके बाद 1998 में भारत ने एक बार फिर से पोखरण में ही न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो भी स्पाई सैटेलाइट से बचते हुए, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सन 1975, अब देश के कदम बढ़ चले थे स्पेस की तरफ। 1975 में देश की पहली इंडिजिनियस सैटेलाइट आर्बिट को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को बेंगलोर के पास असेंबल किया गया और इसको सोवियत यूनियन में रशियन रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का वजन 360 किलोग्राम था और इसकी शुरुआत लॉन्च से 5 साल पहले यानी 1970 में ही कर दी गई थी। सन 1991, अब दौर शुरू होता है आर्थिक सुधारों और बदलाव का। दौर शुरू होता है बाजारवाद का। देश में नई सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उस समय देश के सामने कई आर्थिक चुनौतियां थी। फॉरेन एक्सचेंज की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और फिर सरकार ने आर्थिक नीतियों में बदलाव किए, इकोनॉमी को ओपन किया ताकि विदेशी निवेश हो सके, देश में एमएनसी स्थापित हो सके, नए उद्योग पैदा हो और रोजगार के अवसर बढ़े, इसलिए लाइसेंस राज को खत्म किया गया। सरकार ने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया। टैक्स रिडक्शन से लेकर पीएसयूज को प्रॉफिट मेकिंग बनाने तक के लिए कई अहम बदलाव किए गए और इसके परिणाम स्वरूप देश को एक नई आर्थिक मजबूती और गति मिली। वर्ष 2008, मून मिशन, और अब बारी थी अपनी क्षमताओं को चांद पर ले जाने की। शुरुआत हुई भारत के मिशन टू मून की। अक्टूबर 2008 में श्री हरिकोटा से इसरो के चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह स्पेसक्राफ्ट लूनर सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर मून के आसपास घूमता और चांद पर पानी की खोज भी भारत के चंद्रयान 1 ने ही की थी। 2017, जीएसटी, एक भारत एक टैक्स। पूरे देश में एक समान टैक्स के लिए 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को काफी आसान बनाया और पूरे देश में एक समान टैक्स रेट दिए। जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए। तो ये थे देश के आजादी से लेकर अब तक कुछ सबसे बड़े माइलस्टोन्स। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों से अलग बनाती हैं, और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने बहुत कुछ अचीव किया है। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। इंडियन आर्मी लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स है पूरी दुनिया में। भारत एक पोलियो मुक्त देश है। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में रिपोर्ट किया गया था। इंटरनेट यूजर्स भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे सस्ते हैं और इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री फिल्म प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आती है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, जो 2017 में बढ़कर 69 साल से भी ज्यादा हो गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। भारत दुनिया का कुल 22% मिल्क प्रोड्यूस करता है। भारत सरकार स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध कराती है और इसलिए मिड डे मील स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। मिड डे मील स्कीम अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। परम भारत का पहला इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर था और भारत में के टेक्नोलॉजिकल जर्नी में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पल्स प्रोड्यूसर कंट्री है और उसके साथ साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश भी है।
तो आज के आजाद भारत की सुनहरी यादों के सफर को हम यहीं पर विराम देते हैं और इस वर्ष में 74वीं बार आजादी के जश्न का गवाह बनूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हूं कौन जो 1947 के आजादी के जश्न में भी शामिल हुआ था और 2020 के जश्न में भी शामिल हो रहा हूं। मैं वो हूं जिसके लाहौरी गेट से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में पहली बार ध्वजारोहण किया था। मैं हूं दिल्ली का लाल किला। आप लोग जब भी दिल्ली आए तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।